बैगन दोस्तों, बैगन का सब्जी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपका फर्स्ट 3 महीना, शुरुआत का 3 महीना में आपको बैगन का सब्जी का इस्तेमाल नहीं करना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर शाहजहां, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंट लेडी के बारे में। दोस्तों यही बात करेंगे कि प्रेगनेंट लेडी जो कौन सा ऐसा फूड अगर फर्स्ट से लेकर थर्ड मंथ तक, यानी पहला जो शुरुआत का 3 महीना होता है प्रेगनेंट का, प्रेगनेंसी का, उसमें कौन सा ऐसा फूड नहीं खाना है जिससे आपका मिसक्रेज हो सकता है, प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में कोई डिस्टर्ब हो सकता है, प्रेगनेंसी मिसक्रेज हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और कौन सा ऐसा फूड खाना है जिससे बिल्कुल सेफ है। बहुत सारे आदमी ये भी करते हैं कि पहला से 3 महीना तक, यानी शुरुआत का 3 महीना में कोई उल्टा पुल्टा फूड इसका इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे प्रेगनेंसी में हैवी ब्लडिंग हो जाता है और प्रेगनेंसी मिसक्रेज हो जाता है। तो ऐसा आपको गलती नहीं करना। अगर आप बेबी का प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला हुआ आपका एलोवेरा की जूस। दोस्तों एलोवेरा की जूस, बहुत सारे आदमी बॉडी का इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए इसमें विटामिन सी, विटामिन बी, बहुत सारे इंग्रेडिएंट रहता है जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़ता है बॉडी का, इसके कारण एलोवेरा की जूस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जो शुरुआत का 3 महीना होता है उसमें आपको एलोवेरा की जूस इस्तेमाल नहीं करना है जिससे आपका प्रेगनेंसी को इफेक्ट हो सकता है और आपका प्रेगनेंसी हो सकता है मिसक्रेज भी हो सकता है। इसलिए आपको एलोवेरा की जूस इस्तेमाल नहीं करना है प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको एलोवेरा की जूस इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा हुआ आपका पाइनएप्पल। दोस्तों पाइनएप्पल भी बहुत सारे आदमी इस्तेमाल करते हैं, एक तो मीठा फल होता है इसके लिए और उसमें न्यूट्रिशन भी होता है जिससे कारण बॉडी बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ता है, बॉडी जो कमजोरी था वीकनेस खत्म होता है, इसके कारण पाइनएप्पल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जिससे आपका प्रेगनेंसी में मिसक्रेज, प्रेगनेंसी में इफेक्ट हो सकता है, जिससे आपका ब्लीडिंग शुरू हो सकता है, ब्लीडिंग अगर शुरू हो जाए तो आपका प्रेगनेंसी मिसक्रेज हो सकता है, इसलिए पाइनएप्पल भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरा हुआ आपका पपीता। दोस्तों पपीता एक्चुअली क्या होता है, इसमें प्लेटलेट बढ़ाने के लिए, खून बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम बोलो तो प्लेटलेट काउंट, अगर किसी का प्लेटलेट काउंट कम हो जाए तो पपीता खाने से प्लेटलेट बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। इसलिए बहुत सारे आदमी ये भी करते हैं, प्रेगनेंसी में अगर इसको खिलाए तो इसका खून बढ़ने लगेगा, खून इम्प्रूव होगा, खून यानी ब्लड जो होता है बॉडी में, जो ब्लड बढ़ने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है आपका, अगर प्रेगनेंसी में पपीता का इस्तेमाल करें तो आपका प्रेगनेंसी मिसक्रेज हो सकता है, 99% चांसेस होता है। अगर आप पपीता खिला रहे हैं शुरुआत के 3 महीने तो आपका प्रेगनेंसी मिसक्रेज हो सकता है, आपको हैवी ब्लडिंग हो सकता है, इसके कारण आपका प्रेगनेंसी मिसक्रेज हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, पपीता का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद हुआ कच्चे अंडा या कच्चे मांस, यानी बहुत सारे आदमी कच्चा अंडा का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा पाया जाता है बिना फ्राई का अंडे में और फ्राई किया हुआ अंडे में, दौरान बहुत ज्यादा फर्क है कि कच्चे अंडे में न्यूट्रिशन ज्यादा पाया जाता है, मल्टीविटामिन ज्यादा पाया जाता है, इसके कारण कच्चे अंडे का इस्तेमाल करते हैं, कच्चे मांस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपका प्रेगनेंसी में नुकसान कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा कि कच्चे अंडे का इस्तेमाल या फिर कच्चे मांस का इस्तेमाल नहीं करना है आपको प्रेगनेंसी के दौरान। उसके बाद हुआ आपका शुगर फूड्स, ज्यादा मीठी सामान नहीं यूज करना है, जैसे कि कैफीन, कैफीन का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे आदमी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टिंग का इस्तेमाल करता है, कोको कोला का इस्तेमाल करता है, ज्यादा फूड जैसे कॉफी, चॉकलेट, ये सब का इस्तेमाल नहीं करना है आपको प्रेगनेंसी के दौरान, मीठा कम खाना है। उसके बाद हुआ ब्रिंजल यानी बैगन। दोस्तों बैगन का सब्जी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपका फर्स्ट 3 महीना, शुरुआत के 3 महीना में आपको बैगन का सब्जी का इस्तेमाल नहीं करना है। बैगन का सब्जी बहुत ही ज्यादा इफेक्टेबल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान बैगन का सब्जी ना खाएं, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवल है, यानी बैगन से आपको हैवी ब्लडिंग हो सकता है जिससे आपका प्रेगनेंसी मिसक्रेज हो सकता है, इसलिए बैगन का सब्जी आप ना खाएं, बैगन का सब्जी को अवॉइड करें, इग्नोर करें। उसके बाद हुआ कटहल। दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप कटहल खा रहे हैं, कटहल खा रहे हैं तो आपका प्रेगनेंसी में नुकसान पहुंच सकता है, ये ध्यान रखें। बैगन और कटहल ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव सब्जी है, कटहल जो एक फल है और बैगन जो एक सब्जी है, आप अगर बैगन का सब्जी खा रहे हैं तो आपका प्रेगनेंसी में नुकसान हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। उसे कटहल, कटहल का भी सब्जी पकाया जाता है, लेकिन कटहल का सब्जी आप प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के दौरान आप नहीं खा सकते, बहुत ही ज्यादा नुकसान है, मतलब यानी कटहल वैसे भी नहीं खा सकते हम, पक्का कटहल जो होता है उसमें भी आप नहीं खा सकते हैं, वो भी आपका दिक्कत कर सकता है प्रेगनेंसी में। तो ये कुछ फले हैं, कुछ सब्जियां हैं जिससे आप प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका प्रेगनेंसी में नुकसान पहुंच सकता है, आपका प्रेगनेंसी में
आपका प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो सकता है, ये ध्यान रखना है, ये सावधानी रखना है आपको।